अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर, मैं हूं आशिया खान। बात करें तो आज हमारे साथ सुरिंदर सिंह जी, चेयरमैन ऑल इंडिया काउंटर टेररिज्म फ्रंट के चेयरमैन सुरिंदर सिंह जी मौजूद हैं। हमने कई बार इनको पत्रकार वार्ताएं करते हुए देखा, कई बार इन्होंने अपनी आवाज़ आगे तक पहुँचाने की कोशिश की, फिर भी इनकी आवाज़ आगे तक नहीं पहुँच सकी। इसी विषय में आज ये हमारे साथ जुड़ते हैं, तो चलिए हम इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। ज़रा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताइए सारा मामला क्या है और सारा मसला क्या है। देखिए, बात ऐसी है, मैं ऑल इंडिया काउंटर टेररिज्म फ्रंट का चेयरमैन हूँ, साथ ही में 10 महीने पहले हमारी एक संस्था बनी पीओके लिबरेशन फ्रंट, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो है हमारी, उसका स्टेट प्रेसिडेंट हूँ मैं। ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से एलजी साहब को, डीजी साहब को, यसीन मलिक जो है वो, उसने जेकेएलएफ बनाई, 30 साल तक हमारी सरकार ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसको 50+ बॉडीगार्ड दिए, वो जम्मू कश्मीर को आज़ाद करने की बात करता था। मैं पीओके लिबरेशन फ्रंट हमारा जो है वो पाकिस्तान के कब्जे से जो हमारा कश्मीर है उसको आज़ाद करने की बात करता हूँ, हिंदुस्तान से विलय की बात करता हूँ। मुझे सिक्योरिटी नहीं दे रही है। हुर्रियत वाले जितने भी लीडर हैं, चाहे गिलानी साहब हों, सभी हों, उनको उन्होंने 100-100 बॉडीगार्ड दिए, Z+ कोटियाँ दी पिछले 30-40 साल से। वो देश के टुकड़े की बात करते हैं, कश्मीर जो आज़ाद हो जाए, पाकिस्तान के साथ मिल जाए, यहाँ पे मिलिटेंसी फैले, उग्रवाद फैले, लोगों के कत्ल हों, उसकी बात करते हैं। मैं जम्मू कश्मीर से और पूरे हिंदुस्तान से उग्रवाद के खात्म की बात करता हूँ। लोगों से अपील करता हूँ कि ये जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं इनको बिल्कुल पनाह मत दीजिए। नौजवानों से अपील करता हूँ कि ये गन का रास्ता छोड़ के अमन के रास्ते की तरफ आइए। मुझे सिक्योरिटी नहीं, इनको सरकार जो है आज भी दे रही है सिक्योरिटी, पिछले 30-40 साल से अरबों रुपए पे खरीदी है। मैं अपनी पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, मैंने अनंतनाग से महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस के और एनसी के सबके खिलाफ इलेक्शन लड़ी। आने वाला मैं अपनी पार्टी का चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर्ड कैंडिडेट हूँ, मुझे सिक्योरिटी नहीं। मैं कहता हूँ इतनी साजिश क्यों है मुझे मरवाने की। मैं एलजी साहब से यही, हिज एक्सीलेंसी एलजी साहब के मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आज अगर कल मेरी हत्या होगी, मेरा मर्डर हो गया, तो मेरे घर में 20 लाख नहीं, 5 करोड़ देना पड़ेगा आपको। मैं आने वाला सीएम कैंडिडेट हूँ अपनी पार्टी का, और जो मैं देश के लिए कर रहा हूँ, शायद ही किसी की इतनी हिम्मत है, ना किसी की जरूरत है इतनी करने की। ये क्या चाहते हैं कि मैं ये रास्ता छोड़ दूँ, लोगों को अमन के रास्ते पर ना लाऊँ, नौजवानों को ना कहूँ कि आप मिलिटेंसी का, उग्रवाद का रास्ता छोड़िए, लोगों से अपील ना करूं कि इन दहशतगर्दों को अपने घरों में पनाह मत दीजिए। चलिए सर, सुरेंद्र सिंह जी आपसे बात करते हैं सिक्योरिटी की। आपने कहा इशू है सिक्योरिटी, ज़रा आप हमारी जो जनता देख रही है उन्हें बताइए आपको सिक्योरिटी क्यों चाहिए। बात है, अगर मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए हिंदुस्तान में, जो पीओके लिबरेशन फ्रंट का हेडक्वार्टर बना के बैठा हुआ है अपने घर में, दफ्तर में अपने, जो पूरे ऑल इंडिया काउंटर टेररिज्म फ्रंट दहशतगर्दों के खिलाफ है, मुझे पाकिस्तान से 3 बार छट आ चुकी है मिलिटेंटों की, लश्कर तोबा की, आने वाला चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, फिर अगर मुझे सिक्योरिटी नहीं दे रहे तो महबूबा मुफ्ती को, उमर अब्दुल्ला साहब को, बीजेपी के प्रेसिडेंट को, इनको, बाकियों को, इनके ब्लॉक प्रेसिडेंट को, इनको सिक्योरिटी क्यों है। अगर जम्मू कश्मीर में माहौल इतना ठीक है, यहाँ कोई मिलिटेंटों की किलिंग नहीं हो रही, उग्रवादी किसी को मार नहीं रहे, फिर मैं कहता हूँ कि एक SSP जो है घर से बाहर निकलता है, 2 जिप्सी पीछे, 2 आगे, SHO निकलता है 10 बॉडीगार्ड लेके, इतने लीडर जो हैं इनके सबके पास कोटी, फिर उनको क्या जरूरत है, फिर सबको निकाल दीजिए, मेरी भी मुझे मत दीजिए। मेरी सिक्योरिटी वापस किस लिए ली, क्या साजिश है मुझे मरवाने की, मैं ये पूछना चाहता हूँ। क्या इसलिए कि मैं मनाटी से बिलोंग करता हूँ, या मैं POG का अगर फौजी हूँ इसलिए मेरी सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं, ये मुझे बताइए ना कारण क्या है। मैं आज सबसे बड़ा टारगेट हूँ जम्मू कश्मीर में, साफ टारगेट हूँ मिलिटेंटों का, उग्रवादियों का, एंटी नेशनल एलिमेंट्स का। अगर मुझे सिक्योरिटी नहीं दे सकते, मैं समझता नहीं कि हिंदुस्तान में अगर मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं, तो हिंदुस्तान में शायद किसी को सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं। चलिए सर, बात करते हैं, आपको पहले सिक्योरिटी मिली थी। पिछले 20 साल से मेरे पास 3 बॉडीगार्ड थे, 20 साल से। अब कठुआ वालों ने सिक्योरिटी वापस इसके में से ली कि अभी कोरोना का है, आप घर से नहीं निकलेंगे, तो चलो थोड़ी दिन के लिए आप अपने बंदे भेज दिए। मैंने 3 भेज दिए, मैं कोई बात नहीं। लेकिन अब 3 महीने हो गए, मैं पूछना चाहता हूँ, जिसको लश्कर तोबा की थ्रेट हो, जो साफ टारगेट हो पूरे हिंदुस्तान में टेररिस्ट का,
उसको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। चलिए सर, इस पे सुरेंद्र सिंह जी हम आपसे बात करते हैं। आप ये जो आपका इशू है इसको लेके किसी कंसर्न अथॉरिटी या हायर अथॉरिटी के पास गए कि आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है? अगर कोरोना काल के चलते आपने कहा कि आपकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी, उसके बाद आपने कभी कहा कि मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत है? मैंने DG साहब को लेटर भेजी है, LG साहब को भेजी है, होम मिनिस्टर को भेजी है, PM साहब को भेजी है। ये अभी 26 ये बताऊँ मैं, देखिए ये DG साहब हैं, ये मैं हूँ, ये SSP सरार मनोहर सिंह जी हैं। मैं पहला शख्स हूँ जम्मू कश्मीर में, पहला शख्स हूँ जिन्होंने 2002 में एक प्रोग्राम किया था। जितने हमारे पुलिस के शहीद थे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के, उनको 10,000 रुपया दिया हमने और उनको हमने आनर किया। पहला शख्स हूँ जम्मू कश्मीर में जिसने पुलिस वालों को, जो हमारे शहीद हो चुके थे, उनकी फैमिलियों को आनर किया। ये शायद जम्मू कश्मीर में आज तक किसी ने किया होगा। इतना कुछ करने के बावजूद भी मैं हैरानगी इस बात की कि ये अभी 26 तारीख को दोबारा हमने LG साहब को लिखा है, उनको भेजा है मैसेज, जो उनके राजेश शर्मा जी हैं उनको मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया है। कई बार हम लिख चुके हैं, मेरी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया के शिवपाल यादव जी, उन्होंने LG साहब को लिखा है, DG साहब को लिखा है। रानगी इस पर भी कि मेरे से क्या दुश्मनी है, क्यों मुझे मरवाना चाहते हैं ये। चलिए सर, आखिर में आपसे बात करते हैं कि आपकी क्या उम्मीद रहेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से? देखिए, मैं LG साहब यही कहूँगा कि मेरे जैसे लोग जो अमन शांति खुशहाली की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, लोगों के मसाइल हल करने की बात करते हैं, जिसमें इतना मादा है कि वहाँ से अनंतनाग से इलेक्शन लड़ सके अमन के लिए, तो अगर ये अगर मुझे मजबूत करेंगे, मेरा साथ देंगे, तो मैं जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अमन के लिए, शांति के लिए, खुशहाली के लिए, इस टेररिज्म के खात्मे के लिए काम करेंगे और लोगों के हक में काम करेंगे, ये मैं कह दूँगा आपको। जी शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया काउंटर टेररिज्म फंड से। इनका आज मुद्दा है और ये खास बातचीत हुई है इनकी जो सिक्योरिटी है उसको लेकर। ये चाहते हैं कि इनकी सिक्योरिटी इनको वापस दी जाए, इसके लिए ये लेफ्टिनेंट गवर्नर और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि मैं अमन शांति फैलाना चाहता हूँ और मुझे जो भी इन्होंने कहा वो आपने सुना, तो हम भी चाहेंगे कि जो इनके मामलात हैं वो जल्दी से जल्दी हल हो जाएँ। ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।